नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 19 अक्टूबर और गुरुवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। आज हिंदू पंसा के अनुसार हो चुकी है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 50 लाख रुपए दिए फिर भी नहीं मिला टिकट, एक स्कॉर्पियो और 50 लाख रुपए देने का आरोप। दावेदार ने यह आरोप 3 पदाधिकारियों पर लगाया है। दरअसल राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से प्रत्याशियों को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फतेहपुर सीट पर बीजेपी से टिकट मांग रहे आनंद हुड्डा ने टिकट के बदले पैसे लेने का दावा किया है। आनंद हुड्डा ने अब कोदारे की बीजेपी नेता और भरतपुर के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा सहित 3 पदाधिकारियों पर करीब 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज चौधरी ने बीजेपी नेता सोमकांत शर्मा को देने के लिए 30 लाख रुपए नकद लिए हैं और इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कराने के लिए 15 लाख रुपए लिए हैं। टिकट नहीं मिलने पर पूरी की पूरी इस मामले की जांच होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब अगली सरकार में होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती, आचार संहिता के चलते डीएलमी ने रोकी भर्ती परीक्षा। प्रदेश में करीबन 11,000 से ज्यादा पदों पर हो रही सफाई कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके अलावा इससे पहले भी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसे भी स्थगित कर दिया गया है। कुल मिला के 24,956 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 दिन बाद फिर से जिलों में हो सकती है बारिश, अलवर और सीकर में साया कोहरा, सीजन में पहली बार तापमान 15 डिग्री से नीचे आया। राजस्थान में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद सर्दी बढ़ गई है। वहीं गंगानगर, जैसलमेर, चूरू समेत उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के कारण अब अगले 1-2 दिन में रात का तापमान और गिरेगा, जिससे प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी। 21-22 अक्टूबर से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और चूरू जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अटकी, 1-2 दिन में आनी संभव, हो सकते हैं 106 नाम शामिल, बिना विवाद वाली सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कुछ दिन और बढ़ गया है। अब 20 अक्टूबर को सिकराय में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा के बाद टिकटों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुद इसके संकेत दिए हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 1-2 दिन में आएगी, हम बीजेपी से डबल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 100 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल तैयार किया है। इस बैठक के बाद 100 से कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होनी थी, लेकिन चुनाव समिति की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ सीटों पर आपत्ति जताई है, इसलिए फिलहाल ये सूची अटक गई है। हालांकि बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं। पहली लिस्ट में सीएम गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम शामिल हैं। लगातार जीत रहे नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट के अंदर हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 6 बार जीतने वाले मंत्री नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, हेमाराम बोले नींद की गोलियां लेकर चुनाव निकाला, काम नहीं हुए, मैं जनता को क्या जवाब दूं। चुनावों में अक्सर नेता टिकट कटने पर रोते हैं, लेकिन घोड़ामारानी सीट से विधायक और वन मंत्री हेमाराम चौधरी रो पड़े हैं जब उनके समर्थक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मनाने पहुंचे। पंचायत में हेमाराम चौधरी ने समर्थकों के आगे पगड़ी उतार कर रख दी और असमर्थता जताई है। 6 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे हेमाराम चौधरी ने खास बात में ये बताया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 1 हफ्ते में बदल गए राजनीतिक समीकरण, बीजेपी का सांसदों को चुनाव लड़ाने का उल्टा दांव, बैकफुट पर कांग्रेस। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 120 सीटों पर हुआ मंथन, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्दी जारी होगी। मुख्यमंत्री गहलोत बोले राजस्थान में बीजेपी फेल हुई है, बीजेपी की साजिश है, सरकार गिराने के लिए विधायकों को ऑफर की गई थी 40 करोड़ की रकम। अब पूरी बात यह है कि अब पिछले 1 हफ्ते के दौरान पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया है, बीजेपी के सांसदों को चुनाव लड़ाने का एक दांव उल्टा पड़ा है, अब कांग्रेस इससे बैकफुट पर आ गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में कसरे में मिली करोड़ों के लेन देन की पर्चियां। जयपुर में आपको बता दें कि बजाज नगर एरिया में बुधवार सुबह कसरे के ढेर में करोड़ों रुपए की लेन देन की पर्चियां और नोटों की गड्डियों के वेफर्स मिले हैं। इतने सारे वेफर्स और पर्चियां देखकर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग
असंबद्ध हो गए हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की पड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एमएसपी पर फसल खरीद के लिए चुनाव आयोग से एनओसी। विधानसभा चुनावों के बीच कृषि जिन्स के खरीद के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी मिल गई है। आयोग ने चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसलों की खरीद करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान में जल्दी एजेंसियां खरीफ की फसलें जैसे बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, मूंगफली है समेत अन्य फसलों की खरीद शुरू करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सरकार इस बार बाजरा 2500 रुपए मिलेगा, मूंग 8558, मूंगफली 63 रुपए, मक्का 20 रुपए और तिल 86 रुपए के प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल बोले, मैं गहलोत से गठबंधन कर लूं लेकिन आ रही है ये बात आड़े। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत साथ है तो मैं उनकी पार्टी से गठबंधन कर लूं, मुझे खुश करने के लिए इतने काम मेरे क्षेत्र को दिए लेकिन बेनीवाल किसी से गठबंधन नहीं करेगा। प्रवसर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा में देर रात पर्वतर पहुंचे और यहां जेसीबी की सहायता से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने ये बात गठबंधन से रिलेटेड कही है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दूसरी सूची की उल्टी गिनती शुरू, भाजपा कांग्रेस की 3 दिन सिटिंग विधायकों के टिकट हुए तय। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसी भी वक्त ये जारी हो सकती है और कांग्रेस इधर पहली सूची जारी नहीं कर पा रही है। करीब 10 से 12 सिटिंग विधायकों के कटने की बात सामने आ रही है लेकिन बीकानेर के तीनों ही सिटिंग विधायकों को टिकट मिल सकता है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आचार संहिता से पहले नहीं सेते अधिकारी, आवेदन शुरू होने के साथ ही स्थगित करनी पड़ी प्रक्रिया, लाखों बेरोजगार मायूस। चुनाव में पहले ही पेपर लीक और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा रहेगा, युवाओं को नई भर्तियों का इंतजार है। आचार संहिता लगने के साथ ही अब बता दें कि राजस्थान में अनेक भर्तियां रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे, 60,000 के खाते में 10,000 से पहले आएगा 107.70 करोड़ बोनस। राजस्थान सहित 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DMS 4% की बढ़ोतरी कर दी है। दूसरा तोहफा, रेल कर्मचारियों को बोनस देकर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई स्थगित। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा PET PST आदर्श आचार संहिता के चलते स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 10 दिन में 105 करोड़ की ड्रग्स और शराब और नकदी जब्त, चुनाव आयोग जब्ती मैनेजमेंट सिस्टम की तारीफें देख रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धन बल से मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, इसके चलते अब कुदादे की राजस्थान में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तस्करी कर लाई गई 105 करोड़ रुपए की ड्रग्स शराब नकदी जब्त कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, केंद्र सरकार ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना। राजस्थान हाईकोर्ट को 3 और न्यायाधीश मिल गए हैं, इससे यहाँ मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या अब 35 हो जाएगी। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस BJP की लिस्ट का काउंटडाउन शुरू, राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को लगाई फटकार, 50 सीटों पर होगा त्रिकोणीय संघर्ष। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। BJP ने 50 लाख लेकर भी टिकट नहीं दिया, 3 पदाधिकारियों पर आरोप भी लगे। वहीं राजस्थान में RLP, BSP, आम आदमी पार्टी, बढ़ाई कांग्रेस BJP की परेशानी। कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवारों को लेकर मंथन पूरे हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन की कमेटी बैठक हुई है जिसमें करीब 100 नामों पर सहमति बन गई है। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को फटकार भी लगाई है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के केस अटके, वकील बोले केस छोटा आदमी बड़ा है इसीलिए नहीं मिल रही जमानत। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।